अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू MH सिविल इंजीनियरिंग टिप्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FDT टेस्ट, साइट पे हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो FDT टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम साइट पर जगह मुख्तिस करेंगे, उसके बाद हम बेस प्लेट को कील की मदद से उस एरिया पे फिक्स करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम बेस प्लेट फिक्स की हुई है। उसके बाद हैमर और चीजल की मदद से हम होल लगाएंगे और स्पून की मदद से जो मिट्टी होगी हमारी, जिसे हम वेट सॉइल कहते हैं, उसको पॉलीथीन बैग में डालते जाएंगे। तो ये इस होल का साइज़ जो है वो 6x6 इंच होता है, यानी इसकी डेप्थ जो है वो 6 इंच होती है और इसका डाया भी 6 इंच ही होता है। होल को हम प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद उसको स्ट्रेट एज की मदद से साइडें उसकी बिल्कुल बराबर करेंगे, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल बराबर करेंगे। जितना ऊपर से डाया है नीचे तक भी उतना ही डाया हमारा होना चाहिए। जब होल हमारा फाइनल हो जाए तो जो इजाफी मिट्टी है उसको हम ब्रश की मदद से साफ करके एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और उसको जो उससे निकलने वाली, होल से निकलने वाली सारी मिट्टी है उसको हम पॉलीथीन बैग में डाल लेंगे। पॉलीथीन बैग में इसलिए डालते हैं ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो खुश्क ना हो। उसके बाद हम इसकी डेप्थ चेक करेंगे कि ये हमारी 6 इंच पूरी है या नहीं। तो ये हमारी 6 इंच पूरी डेप्थ है। इसके बाद हम जो वेट सॉइल निकली है उसको पॉलीथीन बैग में डाला है, उसका हमने वेट किया है, तो वेट हमारा आया है 5909 ग्राम। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने जो कोन है उसमें सैंड डाल के उसका टोटल वेट करना है। FDT सैंड जो है इसको तैयार करने का तरीका ये है कि इसको हम दो सीमें इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसके लिए जो सीमें इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं 16 नंबर का पास हमें चाहिए होता है और 30 नंबर सीम का हमें रिटेन चाहिए होता है। तो ये सैंड हमने जो लेनी है वो तकरीबन 8,500 से 9,000 ग्राम तक होना चाहिए। उसके बाद इसका टोटल वेट ऑफ सैंड प्लस कोन का वेट करेंगे तो ये हमारा जो वेट है यह है 9,218 ग्राम। उसके बाद इस बोतल को हम उठा के उस होल पर रखेंगे, उसके बाद हम इस कोन को खोल देंगे और ये सैंड होल में जाना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सैंड होल में जाना शुरू हो गई है। जब ये सारी सैंड होल में चली जाए और ये सैंड चलना बंद हो जाए तो फिर हम इस कोन को बंद करेंगे और इसका हम रिमेनिंग वेट करेंगे कि हमारा रिमेनिंग वेट क्या है। अब हमारी सैंड गुजरना बंद हो गई है तो हम स्क्रू को टाइट करेंगे, बंद करेंगे और जो बाकी सैंड बच गई है उसका हम रिमेनिंग वेट करेंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वेट ऑफ सैंड प्लस कोन है वो 3175 ग्राम। व्यूअर, साइट पर इस्तेमाल होने वाली तीनों चीज़ें हमने अखज कर ली हैं, बाकी इसकी कैलकुलेशन की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।